नमस्कार माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको काइट मार्केट में लेकर आ चुके हैं। इस मार्केट का नाम हांडीपुरा है। यह हांडीपुरा पतंगे और मांझे के लिए ही फेमस है। हांडीपुरा मार्केट में आने के लिए हवा महल से होते हुए सुभाष चौक और सुभाष चौक से होते हुए हम हांडीपुरा मार्केट पहुंच सकते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, साथ ही लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। जयपुर में सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति के दिन आसमान में पतंगे ही पतंगे दिखाई देती हैं। हांडीपुरा में कई छोटी बड़ी दुकानें हैं जिसमें पतंगे, मांझे, डो, चरखी आदि ही मिलती हैं। यहाँ पर सस्ती व अच्छी पतंगे और मांझे मिलते हैं, जैसे कि आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। यह गली पूरी तरह से पतंगों से ढकी हुई है, पर हर दुकान में पतंग, मांझे, चरखी आदि मिलती है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हांडीपुरा में। सुबह के 10 बजे का टाइम हो चुका है और काफ़ी लोग हमें यहाँ पर मार्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पतंगे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोल भाव कर रहे हैं यहाँ पे कि पतंगों का क्या भाव है, ये पतंग कितने की है। कुछ लोग मांझे चरखियां खरीद रहे हैं, श्रद्धा भरवा रहे हैं अपनी चरखियों में। मकर संक्रांति को जयपुर में आसमान पे चारों तरफ पतंगे ही पतंगे नज़र आती हैं। इस मार्केट में छोटी बड़ी कागज़ की और पन्नी की पतंगे मिलती हैं और यहाँ पे मांझे में 3 गट्टे के 6 गट्टे के 12 गट्टे के चरखे मिलती हैं। सबकी अलग अलग रेटें होती हैं यहाँ पे और सभी लोग आके यहाँ पे अपने मोल भाव ताव करवाते हैं कि ये चरखी कितने की है। जिसको जो समझ में बैठता है वो वही लेके जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जयपुर का सबसे सस्ता मार्केट है पतंगों के लिए, मांझे के लिए। इस मार्केट में हर दुकान में कलरफुल पतंगे ही पतंगे नज़र आती है। काफ़ी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं पतंगों के लिए और यहाँ से ही लोग पतंगे, मंजे, चरखियाँ खरीदते हैं और अपने अपने इलाकों में ले जाके इनको सेल भी करते हैं लोग। मकर संक्रांति के पावन अवसर पे काफ़ी लोग यहाँ से पतंगे खरीदते हैं और पतंगे सेल करते हैं। डिजाइन वाली है ना। और हमने एक पतंगों की दुकान में एंट्री की। और हमने एंट्री करने के बाद में यहाँ पे काफी पतंगे देखी, चारों तरफ पतंगे जमी हुई थी। छोटी पतंगे देखी, बड़ी पतंगे देखी, साथ ही पन्नी की पतंगे, बड़ी बड़ी पतंगे भी देखी। बहुत ही शानदार पतंगे, बहुत ही अच्छी पतंगे हैं यहाँ की। चारों तरफ चरखियाँ जमी हुई हैं, सबके अलग अलग रेटें हैं यहाँ की कि ये चरखी कितने की है, ये चरखी कितने की है। हमने यहाँ पर तरह तरह के मांझे देखे, सबके अलग अलग क्वालिटी है और सबके अलग अलग रेटें हैं। ये 6 घट्टे की, ये 3 घट्टे की, ये 2 घट्टे की, 5 घट्टे की, सब अलग अलग है। नहीं
मक्खन अभी और मक्खन सफाया कर दो सामने वाले का सफाई स्पेशल आजी काला सोना ब्लैक डायमंड सुबह पूरे रात बाबा रामायण पढ़ी सुबह राम कौन था तो राम भी है रामायण भी है ठीक यार भाई साहब क्वालिटी है पांडे है क्या पांडा कुछ नहीं भाई साहब पांडा नहीं भाई साहब मेरे पांडा पहले जैसा नहीं आ रहा खाली पांडे के रेपर चल रहे दुकानदार के पास मिलेंगे नहीं फुटपाथ वाले बोल रहे और कॉलेज में मिस देंगे क्वालिटी है यार भाई मेरे हाँ क्वालिटी क्वालिटी डायमंड डायमंड आपको एक बार फिर माँ चैनल की ओर से मकर संक्रांति की और लोहड़ी की शुभकामनाएं। जो हमारे इस वीडियो में नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।